मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम वूम को विजिट करेंगे। ओके ठीक है, सब लोग रेडी हैं? किसी ने कुछ चैट में क्या लिखा है? ओके हेलो यू, ठीक है एक मिनट, आई विल जस्ट पुट ऑन द म्यूजिक ऑल्सो। एक मिनट, अभी सब अपनी आंखें बंद कर लिए प्लीज, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। ओके और जो है श्वास लेनी है, ठीक है। तो ये जो मेडिटेशन है ये है हमारे वूम को कनेक्ट करने की, वूम मतलब जो गर्भ जहाँ पे स्थान होता है जहाँ वो, तो आप अपने नाक के थ्रू ब्रीद इन जो हम करते हैं सांस लेते हैं और नाक के थ्रू ही आप ब्रीद आउट करिए पहले। तो तीन बार आप श्वास पे ध्यान देते हुए, अपनी ब्रीथ पे ब्रेथ पे ध्यान देते हुए आप श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ऐसा आप तीन बार करेंगे और एकदम ऐसा फील करिए जैसे कि आप एकदम शांत, सब कुछ आसपास शांत है, किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं है, शरीर जो है एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। और फिर ऐसा विजुलाइज करिए कि जैसे ऊपर जो है एक तरह की जो लहर होती है पानी में, जैसे लहर है, वेव है, वो आपके सर के ऊपर से ऐसे जा रही है, तो पानी में कितनी शीतलता होती है, कितना कामिंग इफेक्ट होता है, एक तरह की ठंडक होती है जो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में जो भी टेंशन या स्ट्रेस है उसको रिलैक्स कर रहे हैं, और हमें एक तरह से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, एकदम शांत महसूस हो रहा है। जो भी अगर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई भी इस तरह का फीलिंग है, वो सब उस पानी के साथ वॉश आउट हो रहा है। तो वो जो वेव है वो अपने साथ जो लहर जो है, जैसे जैसे वो आती है, वो अपने साथ जिस तरह से सारी गंदगी, सब तरह के जो कूड़ा कचरा है वो सब उठा के अपने साथ ले जाती है पानी के अंदर। भले ही वो वापस ले आती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो अपने साथ काफी कुछ अंदर ले जाती है। तो उसी तरह से जो आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में, आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, जो भी एंजाइटी है, वो सब वो पानी जो है, पानी की लहर सी शीतलता से जो है वो उसके साथ साथ अंदर जा रहा है और आपके शरीर को बहुत ही शीतलता प्रदान कर रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेस ही है, ये जो दिमाग जो हम सोचते रहते हैं, जो एंशियस फील करते हैं, उसकी वजह से ही तो हमारी आधी बीमारियां या आधे रुकावटें जिंदगी में आती हैं। तो जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम हमारा मन शांत हो जाता है, शरीर भी शांत रहता है और हम रेडी होते हैं सब तरह के अच्छे चीजों को स्वीकार करने के लिए। अब आप जो है अपना ध्यान धीरे धीरे अपने स्टमक की तरफ लाइए, अपने शरीर में जो आपके पेट है, आपका शरीर के अंदर जो पेट है, और आप ऐसा विजुअलाइज करिए जैसे कि आप वो स्पेस के अंदर एंटर करें। अब जब आप अपने शरीर के इस जो कुंभ के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आप वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक दरवाजा है।
वो दरवाजा जो है, उस दरवाजे को अब आप ध्यान से देखिए। वो दरवाजा आपको किस रंग का दिख रहा है, किस शेप का दिख रहा है, किस कलर का दिख रहा है? क्या वो एक नया दरवाजा है या कोई पुराना दरवाजा है? क्या आपने ऐसा दरवाजा पहले कभी देखा है या आप इस दरवाजे से पहली बार परिचित हो रहे हैं? उस दरवाजे पे किस तरह की कारीगरी की गई? उस दरवाजे के क्या आसपास कुछ और है? हो सकता है उसके पास कोई पेड़ हो, कोई किसी तरह की एक वाइन हो, एक क्रीपर हो जो उसके ऊपर लटक रही है। तो ध्यान पूर्वक उस दरवाजे को देखिए, क्योंकि यही दरवाजा है जो आपके रूम में आप एंटर करने से पहले इस दरवाजे से अपने आप को परिचित करा रहे। उस दरवाजे का किस तरह का टेक्सचर है, उसको छू के देखिए। अभी वो दरवाजा बंद है लेकिन आप उसको छू सकते हैं और उसको फील करिए अपने हाथ पे कि किस तरह का है। क्या वो दरवाजा मुलायम है या वो दरवाजे में किसी तरह का आ, आ, स्टोनी इफेक्ट है, या कुछ ऐसा लग रहा है, खरदरा सा लग रहा है, या वो दरवाजा जो है आपको एक किस तरह की याद दिला रहा है? फिर आप उसको धीरे से उस दरवाजे को खोलिए। अंदर से अंदर की तरफ जो दरवाजा खुलता है तो आप अपना राइट लेग वो दरवाजे से अंदर कीजिए और फिर आप वो दरवाजे के आप अंदर घुस चुके हैं। ये आपका वूम एरिया है जो आपके आपने शायद अभी तक कभी नोटिस नहीं किया, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप अब अंदर एंटर हो रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर आपको कोई उजाला नहीं है, पूरा डार्क है, अंधेरा है, आपको देखने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो भी आप ये सोच के अंदर चलिए कि ये आपका खुद का एरिया है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आप पूरे उस वूम एरिया में अपने चक्कर लगाइए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, फिर दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर, फिर चौथे कॉर्नर, पूरा एक सर्कल लगा सकते हैं। तो आप अपने आप को परिचित करा रहे हैं उसके हर एक कोने से, हर एक जगह से उसके अंदर। और हो सकता है उसकी शेप मैंने अभी स्क्वायर कही, हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हो, जो भी शेप आपको समझ में आ रही है उस हिसाब से आप उसमें चल सकते हैं। उस वूम के अंदर एक तरह की कुछ स्मेल हो सकती है, किसी तरह का कोई आपको कोई परफ्यूम या कोई कोई चीज आपको ऐसे याद दिला रही है जो उसकी स्मेल है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर खाने की स्मेल हो या कोई चीज इतर की तरह स्मेल हो, जिस स्मेल से आज आप वाकिफ हो लेकिन आप ये स्मेल वहां पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप हर एक जो उस वूम की जो दीवारें हैं उन दीवारों को छू कर देखिए और अपने आप को ऊपर से नीचे, अपना हाथ जब आप उस वूम पे फेर रहे हैं तो आप एक तरह से अपने आप को फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की अलग तरह की ही एक फीलिंग सी आ रही है, एक तरह का वाइब्रेशन हो रहा है, एक तरह का करंट स्प्रेड हो रहा है और आपको एक ऐसा फेमिलैरिटी हो रही है इस जगह से, क्योंकि एक टाइम था जब आप इस जगह पे रहे हो। तो ये जो वॉल्स हैं, जैसे कि आपने दरवाजे को जब घुसने से पहले हर दरवाजे को ध्यान से देखा, उसी तरह से इस वॉल को भी आप अपने आप को इस वॉल से अच्छी तरह से परिचित कराइए और उसके हर एक सेंस, आपके हर एक सेंस को वो फील करने दीजिए, जो जो वो देख सकता है, जो वो सुन सकता है, वो जो स्मेल कर सकता है, जो वो जो सेंसेस हैं उनके थ्रू वो फीलिंग आप लीजिए, आपके हाथ के थ्रू उसके टेक्सचर, उसके
जो मखला, अगर वो मखमली है या वो किस तरह का है टेक्सचर, वो फील कर लो। और फिर वो फीलिंग अपनी बॉडी में फील करें, क्योंकि वो फीलिंग फाइनली आपकी बॉडी के अंदर फील हो रही है। जो फीलिंग आप वो वूम को जब टच कर रहे हो या फूल फील कर रहे हो, वो आप वो सेंटर में आ जाएंगे वूम के, और आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने वूम को से अपने आप को परिचित करा लिया है। हो सकता है आपको कुछ आवाजें आ रही हो यहाँ पे, आप कुछ सुन रहे हो। थोड़ी देर तक आप ऐसे ही इस जगह पे खड़े रहें और अपने अंदर एक तरह की स्थिरता महसूस करें। बहुत समय से ये वूम आपके लिए वेट कर रहा था, आपके लिए रुका हुआ था, लेकिन आपके पास समय नहीं था कहीं ना कहीं उस तक पहुंचने का, उसके पास जाने। लेकिन जब आप आज उस पर उसके पास आए हो या उसके अंदर आए हो, तो फिर वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, और उसके साथ साथ आपको भी एक तरह का ग्रैटिट्यूड उसको एक्सप्रेस करना है और बोलना है कि माय वूम इज प्योर, वो प्योर है, और मेरी लाइफ भी उसी वूम की तरह प्योर है। तो जैसे ये वूम प्योर है, उसी तरह से मेरी लाइफ भी प्योर है। और ये फीलिंग के अंदर आप जितने भी टाइम रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। फिर आप अपने श्वास के ऊपर फोकस कीजिए, और फिर से आप जो डीप ब्रीथ जैसे आपने ली थी अंदर घुसने से पहले, उसी तरह से आप अपने श्वास पे ध्यान देते हुए टेक दी 3 ब्रेथ, डीप इन एंड डीप आउट। और धीरे धीरे जो है अपने हाथ, अपने ये सब सेंसेशन को फील करते हुए, अब समय आ गया है जब आप इस वूम से बाहर निकलने के लिए निकलने वाले हैं। तो आप उसकी डोर तक जाएंगे, जो डोर से आप इस डोर के इसके अंदर घुसे थे, वो डोर्स को आप वो खुला हुआ है, तो आप उससे अपना पैर, जैसे आपने पैर अंदर रखा था, आज आप वापस बाहर पैर बाहर रख रहे हैं। और फिर आप जब उसके बाहर आ जाते हैं, तो आप वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस वूम को कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा और मैं फिर से तुमको विजिट करूंगा। आज तो मैंने शुरुआत की, आज मेरी ये एक तरह से स्टार्ट स्टार्ट जर्नी का स्टार्टिंग है। अब मैं जो भी तेरे अंदर है, जो भी विचार हैं, जो भी चीजें अटकी है या जो भी है, उन सबको धीरे धीरे क्लियर करो। तो वो दरवाजे को बंद करके और फिर आप वापस अपने फिजिकल बॉडी में फील करिए कि आप वापस अपनी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे भी आप हैं। और आप धीरे धीरे फील करिए कि आप जो रूम में भी बैठे हैं या जो जगह पे भी आप बैठे हैं, वो जगह को आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल के एंड अपने वापस से अपने अस्तित्व के अंदर, अपने अंदर वापस से फिजिकल फीलिंग में आ जाइए। और अगर जैसे कर रही हैं अपने हाथ को वो करके, आप अपने आंखों पे भी लगा सकते हैं। और इस फीलिंग के अंदर के आपने एक अटेम्प्ट किया टू विजिट योर ओन सेल्फ, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम एक वूम के थ्रू आए, राइट? और जब हम वूम के थ्रू आए हैं तो बहुत कुछ, वो वूम ही हमारा घर था, उसके अंदर ही हम इतने टाइम तक रहे, और हमने जो भी कुछ पिकअप किया है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या जेनेटिकली जो आया है, वो सब वहीं से हमारे अंदर आया है। तो जिस तरह के विचार, जिस तरह की धारणाएं, जिस तरह के चीजें उस टाइम थी या फीलिंग्स थी हमारी मदर की, वो कहीं ना कहीं हमने वो एब्जॉर्ब की।